जय भीम, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर 2018 को लोकसभा महोदय सुमित्रा महाजन ने एक वक्तव्य दिया था कि जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था और रिजर्वेशन असीमित समय के लिए नहीं था। तो ये जो लोकसभा स्पीकर महोदया का जो ये बयान है पूर्णतः गैर संवैधानिक बयान है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 334 की आर्टिकल 334 की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, और आर्टिकल 334 के अंडर में 95th अमेंडमेंट 2009 के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ाया गया। इसका मतलब ये रिजर्वेशन जो अब है वो 26 जनवरी 2020 तक है, असीमित समय तक नहीं है। दूसरी बात, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक यहाँ पर रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल एजेंसीज है और दूसरा सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक और एक जनरल रिजर्वेशन है जो कि अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 के अंदर कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, और यह बात सही है कि बाबा साहब भी नहीं चाहते थे कि जो रिजर्वेशन है वो 10 साल से ज्यादा बढ़े, लेकिन वो जो बात थी वो जो आर्टिकल 334 के लिए थी, केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए बात थी, सोशल रिजर्वेशन की बात नहीं हुई थी। ये जो सुमित्रा महाजन जो स्पीकर है, इनका जो ये गैर संवैधानिक बयान है, ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला बयान है। अभी इंदौर में हुए एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा था, ट्रेडर्स यूनियन की बीजेपी ट्रेडर्स यूनियन का एक प्रोग्राम था, तब सुमित्रा महाजन मैडम ने ये बात कही थी कि SC ST एक्ट के बारे में कि ये हमने इन्हें टॉफी दी है और जो शेड्यूल कास्ट है इन्हें टॉफी दी है, इन्हें टॉफी चूसने दो, समय आने पर हम ले लेंगे। और ये 2 अप्रैल को जो विरोध प्रदर्शन दलित समाज का ये शेड्यूल कास्ट समाज ने किया था उसके संबंध में ये गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक बयान दिया था। तो क्या प्रासंगिकता है ये लोकसभा स्पीकर महोदय कि जो वो इस बात को कहते हैं कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए था, सभी लोगों के मन में एक भ्रम है। तो क्या वाकई ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए था? सुमित्रा महाजन महोदय, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हिंदू कोड़बल के लिए त्याग पत्र दिया था वो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दिया था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन की बात की थी अगर आपके हिसाब से 10 साल के लिए की थी तो आपने ये रिजर्वेशन अडॉप्ट क्यों किया? आपको इस कुर्सी से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हो तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो 10 साल वाला रिजर्वेशन है उसके अंदर आप भी कवर होते हो। परंतु क्यों? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल मानसिकता से, राजनीतिक मानसिकता से ये बयान दे रहे हो, जबकि आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हो जो कि पूर्णतः आर्टिकल 94 और आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंडर में पूर्णतः प्रोहिबिटेड है। और दूसरी बात, जो आपने ये बात जब ये गैर संवैधानिक बयान, सबसे पहले बात मैं आपसे कहना चाहूंगा सुमित्रा महाजन महोदय, कि ये राजनीतिक बयान संवैधानिक पद पर बैठ के ना दिए जाए, क्योंकि आप लोकसभा की स्पीकर हैं और लोकसभा के स्पीकर का कर्तव्य है कि लोकसभा में मौजूद प्रत्येक सांसद की भावनाओं का वो सम्मान करें, परंतु जो आप अपनी ये व्यक्तिगत जो राय है वो एक गरिमा में पद पे होते हुए दे रहे हैं, पूर्णतः गैर संवैधानिक। तो आपको अगर मैं लोकसभा के जो सदस्य हैं वह किसी भी जाति के हों, किसी भी पार्टी के हों, परंतु आप एक संवैधानिक पद पर बैठ के इस प्रकार का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स पढ़िए और ठीक से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 334 पढ़िए, और उसके बाद आप कोई भी बयान दीजिए। जो ये समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग एक ओछी मानसिकता से कर रहे हैं वह ना करें। संविधान को पढ़कर ही संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में कोई भी आप बयान दे। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।